गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने कहना है कि आज व्लॉग बड़ा ख़तरनाक जगह से स्टार्ट कर ली है। तो ये जो प्लॉट था ना सामने वाला, इधर हमारे मिस्त्री ने नाक में दम किया हुआ है। पता नहीं कोई 10-20 दिन हो गए हैं, मैंने इसका मटेरियल वगैरह सारा ला के रखा हुआ है, बट ना मिस्त्री नहीं मरा आया। तो उम्मीद तो है एक दो दिन तक आ जाएगा। आज मैंने फ़ोन किया तो कहता मुझे बुखार हुआ है तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो इसकी भी चार दीवारी करवा के तो गेट लगवाना है इंशाल्लाह। तो अहमद को भेजा नाश्ता लेने के लिए, आता है तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर निकलना है, फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। अस्सलाम, क्या हाल जी, ठीक हो? शेख साहब नाश्ता लेके आ गए हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह करो। क्या बात है, क्या किड्डा मुंडा प्रोफेशनल है, सारा इन झाड़ो बिच कुछ चीज रवे ना। क्या बात है। अब यहां सब उतानू की वेंदे पे उते की लगा गर्दन दर्द का, गर्दन दर्द कर दी क्यों? आपकी गर्दन काली कितनी है, क्यों सर्दियां आ रही हैं? नहीं, ये देखिए जी हाजी साहब अपना फार्म हाउस यहां पे तैयार कर रहे हैं। आज यहाँ पे हमने बड़ा वर्क किया। मैं तो खैर थोड़ा सो रहा था तब जब ये वर्क होता रहा है। क्या बात है जी, क्या बात है, जो लेजर लेवल हो गया। ये देखें, ये बड़ी एक ना खौफनाक सी जगह थी इधर, मतलब कि यहाँ एक गड्ढा सा था वो सारा फिल हो गया। अच्छा, ये भी सारी जो ज़मीन है ना हमारी थोड़ी सी क्या कहते हैं ऊंची नीवी सी बराबर हो गई। क्यों जी अहमद साहब जी, ठीक है ना जी? लेजर फेरे के करा नहीं, करा दे नाल ना लेवल हो गई है, लेजर वाला नहीं काम होया। बहरहाल फिर भी वेल एंड गुड हो गया काम, जेडी कसर थी ना छोटी मोटी वो निकल गई। बस रेडी है जमीन, इन बस चला दिए काम। यहाँ पे हमने काश करने हैं जी आलू, इधर से लेके वो आगे वो जो बाग है ना वो भी सेल कर दिया। ये वाला ये बाग जो है ना इसकी भी पटाई स्टार्ट करवा देनी है। तो उसके बाद ये जो जगह थी ना, ये हमने जो तैयार करवाई थी, यहाँ पे हमने बनाना था पूल, स्विमिंग पूल। तो उसके लिए ये जगह हमने लेवल करवा ली है। तो इधर बनेगा पूल, क्योंकि इसका पानी का निज़ाम बड़ा इधर ठीक है कि जो अंदर छोटा सा पंप लगाएंगे उसका पानी इधर आएगा, इधर से फिर वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है अहमद साहब, नहाने के लिए रेडी हैं आप? इन्हीं गर्मियों में नहाना के? नहीं, नेक्स्ट में। इतना जो है ना वो एक्टिव नहीं है, बस सुकून से काम करते हैं। चलो ले वो स्कूटर, चलिए फिर। गर्मी काफ़ी है, बादल भी बने हुए हैं, उम्मीद तो है बारिश पड़ जाएगी, बट देखें अल्लाह का निज़ाम है। इधर से धूप निकली हुई है, इधर बादल है। अगर आ जाएगा बादल, बारिश हो जाएगी तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। शेख साहब आ गए हैं, निकलते हैं वापसी। ये तो व्यूअर्स फ्रेश हो गया हूँ, तकरीबन 4-4:30 का टाइम हो गया। तो डेरे वाली ज़मीन थी ना वो हमने खुद जो है वो लेज़र की थी, लेवल की थी। तो अब जो दूसरी ज़मीन थी ना वो उधर जो बाबा मुसाफिर की कब्र के पास है, वो जो ज़मीन है ना वो लेज़र लेवल के साथ लेवल होने वाली थी। तो वो उसका फ़ोन आ गया मुझे ड्राइवर का कि मैं आ गया हूँ, तो अभी चलते हैं फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। फाइनली जी पहुंच चुके हैं अपनी ज़मीन पे। ये हमारी ज़मीन है, ये है जी बाबा मुसाफिर की दरगाह। चलो मैं आया हूँ, आपको ये भी दिखा देते हैं अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जहरकबूर। ये
ये देखिए लेजर लेवल वाले ने भी अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। ये ना पर घंटे के हिसाब से ना चार्ज करता है। तो हमारी जो ज़मीन है ना, ये जब खाला नया बना ना तो उसकी वजह से ना इधर उन्होंने ना गड्ढे खोदा था, मतलब कि वो मिट्टी लेके ना इसके साथ लगाई थी, उसकी वजह से ना ये जो है ये सारी जो है ख़राब हो गई थी। तो अब ये लेवल करने के लिए ना, ये देखें अब वो जो ब्लेड है ना वो मिट्टी से फुल है। इसका ये मतलब है कि उस साइड पे जो ज़मीन है ना वो ऊंची है, उधर से ब्लेड भर के आता है और यहाँ पे ना वो खाली कर देगा। ये ब्लेड खाली हो गया, अब फिर ये इधर से जाएगा, वो जो ऊंची ऊंची ज़मीन है ना वहाँ से वो लेके और वापसी इधर आ जाएगा। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा होता है, इसके ना ज़मीन को जब पानी लगाना होता है ना तो उसके बड़े बेनिफिट्स हैं कि जब ज़मीन एक लेवल पे होगी तो पानी जल्दी लग जाएगा और ये ज़मीन जल्दी जो है ना तार हो जाएगी पानी से। अगर ये ऊपर नीचे होगी तो ये जल्दी पानी नहीं लगता, बड़ा टाइम लगता है। तो ये इसका मेन सिस्टम है, ये वाला ये जो लगा हुआ है ये सिग्नल देता है ट्रैक्टर को कि ज़मीन कहाँ कहाँ से ऊँची है, इसलिए इसे कहते हैं लेज़र लेवलर। मतलब कि ये लेज़र के थ्रू, ये शुवाओं के थ्रू जो है ना करके तो फिर उसे लेके आता है आगे। ये देखें जी, नेचुरल अमरूद हमें मिले हैं। ये भाई जान हमारे नेबर वाले हैं, इन्होंने हमें इस बाग से तोड़ के दिए हैं जो सब अमरूद ने फ्रेश ताज़ा, तो ट्राई करो मैं लियाओ। क्या बात, मज़ेदार। हाँ जी मीठे जी नहीं बहुत मीठे। लेवल वाला की करूँ थोड़े अब तो नीवी हो गई है हो जा वे। फिर ना पता फिर लगेगा कम कमल जो हो गया। नहीं इन्हें दोहरा मारने के अलावा एक पैसे भी चंगे बनाएगा। किसी ने सैलेज बनाना स्टार्ट भी करवा दिया, साड़ी अजे पुरानी बच्च पई गोदाम दे। बाइलार्स, अब जे बाइलार्स होंदा है इनू बाइलार्स क्यों आंदे ने? रूस तो होंदा पाकिस्तान नहीं बनता ये है जी हमारी मकई की फसल, जिसको उस दिन दानेदार डाली थी ना, तो इसका माशाल्लाह कलर देख लें कितनी पानी लगा है ना, पानी की वजह से कलर बड़ा अच्छा हो गया, मतलब जो ब्लैक ब्लैक सी हो रही है, अब ये अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। आनू फोन करियो, चलो मैं करना बाल जी। तो लेवल वाला साड़ा लगा है जोरों शोरों जी। चलो यह जी सी ना जमीन साड़ी थोड़ी खराब सी इतों, चलो बराबर हो गई। यह जी सी ना यह सारी जगह इतों नीवी हो गई सी, तो बराबर हो गई है। अब चलते हैं वापसी गाँव। गर्मी बड़ी, इधर मैं नहा के आया हूँ तो मेरे बुरे हालात हो गए जी। हाँ जी हूँ सारी जगह ठीक होगी। ओ धड़ दे कोल मैं थोड़ा डाउट है, मैनू लगता वो तो नीवी हो गई है। हाँ
चलो मैं इनके लिए पानी शानी भेजता हूँ। गर्मी ने बस करवा दी, मैंने आके आया पसीने पसीनी हो गई। मैं पानी कला फिर होने जी। तो व्यूअर्स रात हो गई है काफ़ी, तो मैं फिर जो लेज़र लेवल था वो हो गया था हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट, हमारे ना 3 घंटे लगे थे उसको ना लेवल कराते कराते ना। तो उसके बाद मैं तो पहले आ गया था, कुछ मेहमान आ गए थे उनके पास, फिर बैठा रहा काफ़ी देर, फिर रात हो गई। मैंने अभी फ्री होके घर आया। देखें हमारे गाँव का माहौल कितनी सुनसान है, वो देखें सारी सुनसान पड़ा हुआ है, लोग सारे सोस आ गए हैं। तो मैं ऊपर छत पे आया हुआ था, मैं तो देख रहा था वो ना हमारे गांव में ना पहरा लगा हुआ है, मतलब पहरा मतलब ये कि गार्ड्स वगैरह ना रखे हुए हैं जो है वो गलियों में ना लाइट्स वगैरह मारते हैं। तो मैं ना रात को जागता रहता हूँ, तो मैं ना चेक एंड बैलेंस रखता हूँ उनका कि क्या वो सो गए हैं जाग रहे हैं। तो मैं आगे देख रहा था कि वो एक टार्च मार रहा था इधर ना, तो अभी गया थोड़ी देर पहले। तो बस आज की जो डेली रूटीन थी आपके साथ शेयर की, तो बड़ी मेहनत से मैं व्लॉग बनाता हूँ, कोशिश किया करें कि मेरे व्लॉग को पूरा देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालूंगा इंशाल्लाह ताला, गांव के बारे में, गांव की लाइफ के बारे में, या डेली रूटीन जो भी होती है हमारी गांव की, तो वो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।